हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आप लोग दिखाने वाले हैं कि लुमिनस क्रूज प्लस 2 KV का इन्वर्टर इंस्टॉलेशन करके और इस पर कितना एच का बैटरी लगेगा तो बढ़िया चार्ज करेगा और कितना एच तक का बैटरी इस पर लगा सकते हैं। तो सब कुछ दिखाने वाले हैं आप लोगों को, वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहला चीज़ तो यदि आप लोग का बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, लुमिनस का बैटरी लगाएगा साथ में और लुमिनस का UPS तो रहेगा, तो अभी जाके आप लोग का बढ़िया से मतलब परफॉर्मेंस मिलेगा और बैटरी बैकअप भी आप लोगों को अच्छा से मिलेगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो पहला चीज़ ये हो गया आप लोगों का। और दूसरा चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं, दूसरा चीज़ इसमें डिस्प्ले पे इंडिकेशन करने के लिए क्या क्या दिया है आप लोग इधर देख सकते हैं। मेन अवेलेबल करके दिया हुआ है और नीचे आप लोग जो लिखा है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या क्या और लिखा हुआ है। बैटरी चार्जिंग के लिए UPS ऑन करके स्मार्ट चार्ज करके लो बैटरी करके चार्जिंग मतलब इस पर इंडिकेशन दिया हुआ है। ओवरलोड करके शॉर्ट सर्किट ट्रिप करके है और नो लोड करके लिखा हुआ था उधर, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से जब आप लोगों के पास में आएगा। और इस पर साइड में आप लोगों को मेंशन जो किया है इसका रेट वगैरह जो प्राइस है आप लोग देख सकते हो किस हिसाब से और कितना दिया हुआ है सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। लॉट नंबर वगैरह क्रूज प्लस करके 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो आप लोगों का इस बात का ध्यान रहे, 2 बैटरी आप लोग लगा से आराम से चला सकते हैं। और आगे आप लोगों को दिखाते हैं क्या है। बाकी बॉक्स को ओपन कर देंगे, बाकी ऊपर आप लोग देख सकते हो ऊपर भी कुछ दिया हुआ है तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी हिसाब से आप लोग का बैटरी चार्ज होगा। तो इस पर देखिएगा आप लोग बैटरी आप लोगों का कितना एच का है, 180 एच से लेके और 240 एच तक का है तो आप लोग इसको हाई पे चार्जिंग में रखिएगा और 150 से लेके 150 है तो मीडियम पर रखिएगा, 120 से लेके 135 तक है तो आप लोग उस पर लो पर रखिएगा, इसी हिसाब से आप लोग बैटरी चार्जिंग पर रखिएगा। तो मेरे पास 230 एच का 2 बैटरी है तो मैं इसको हाई पे रखूँगा तो इसको खोलूंगा नहीं, ऑटोमेटिक मतलब सेलेक्ट करके आता है हाई पे तो हाई पे ही रहेगा। आप लोगों को दिखा देंगे कहाँ से सेलेक्ट किया जाता है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से जितना पे आप लोगों को चाहिए। तो चलिए इसको क्या कहते हैं बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं, बाकी आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी ये सब जो लिखा हुआ है आप लोग पढ़ते रहिएगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं बॉक्स निकलने के बाद ये इसका डिस्प्ले दिया हुआ है इतना बड़ा और यहाँ पे पावर बटन दिया है बस सामने के साइड में, बस इतना ही कुछ है। और डिजिटल डिस्प्ले और लुक भी देख सकते हो आप लोग बढ़िया है और लुमिनस का और क्रूज प्लस करके 2 KV लिखा हुआ है। आगे का तो हो गया आप लोग को, अब चलिए पीछे के साइड में दिखाते हैं इसको क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले देख सकते हो आप लोग यहाँ से आप लोग यहाँ पे बाईपास का सिस्टम दिया है और बैटरी का प्लस और माइनस जो दिया है नेगेटिव और पॉजिटिव वो दिया गया है। यदि आप लोग चाहते हैं डायरेक्ट बाईपास लेना तो बाईपास भी आप लोग ले सकते हो, इन्वर्टर का उसमें कोई काम नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप लोग को सप्लाई उठा के दे देगा। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग इस पर मतलब किस हिसाब से आप लोग को लगाना है आप लोग ये देख लीजिएगा, लाइन आउट करके दिया है, लाइन इन और इधर न्यूट्रल और अर्थ करके दिया हुआ है आप लोग देख सकते हो। तो इधर लाइन आउट हो गया, लाइन इन हो गया, न्यूट्रल हो गया और अर्थ हो गया, इस हिसाब से आप लोग कनेक्शन कर देना। और इसमें पीछे आप लोगों का 16 एम्पीयर का AC MCB दिया है, कोई बात होता है तो आप लोगों का MCB ट्रिप हो जाएगा। तो देख सकते हो आप लोग इधर तो हो गया और इसमें दो फैन भी दिया हुआ है, 2 फैन दिया है, कूलिंग अच्छा करेगा। और यहाँ पे आप लोग जो दिखाए थे बैटरी सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों का कौन सा बैटरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ट्यूबलर रहेगा तो ट्यूबलर कर लीजिएगा, फ्लैट रहेगा तो फ्लैट कर लीजिएगा। और बाकी इधर जो आप लोगों को दिखाए थे बैटरी चार्जिंग के लिए लो मीडियम और हाई करके दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ से खोल के इसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें मैं देखा था तो हाई पे ही सिलेक्ट हुआ था तो हाई पे ही सिलेक्ट करके इसको छोड़ देते हैं क्योंकि मेरे पास बैटरी 230 एच का है तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं हाई पे चार्जिंग। इसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से जो बैटरी आप लोगों का रहेगा। बाकी चलिए आगे आप लोगों को इसको कनेक्शन करके दिखाते हैं कैसे कनेक्शन होगा कैसे क्या होगा। तो यहाँ से क्या क्या बैटरी के पीछे आएगा, बैटरी के पीछे क्या करते हैं इसका जो लेवल होता है जो वाटर बताता है लेवल लगा लेते हैं फटाफट। और लेवल लगाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो चलिए लेवल लगा के फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हो आप लोग जितना भी लेवल लगेगा आप लोगों को वाटर लेवल वाला क्या कीजिएगा कि सब में लगा लीजिएगा। इससे आप लोगों को क्या पता चलेगा कि आप लोगों का जैसे बैटरी का पानी कम होता है आप लोगों को बता देगा हाँ बैटरी का पानी कम हो गया, आप लोग उस हिसाब से डाल लीजिएगा जिस हिसाब से कम रहेगा। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पूरा लेवल जो हमारा है वो लग चुका है और लगभग पूरा टाइट भी कर दिए हैं, आप लोग पूरा टाइट कर लीजिएगा ताकि इस पर जब बैटरी चार्ज करेगा तो इस पर क्या होता है कि जो इसमें वाटर आता है वो बाहर आता है तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी क्या करेंगे इसमें एक प्लस ले लेंगे और एक माइनस ले लेंगे, दोनों क्या करेंगे कि दोनों बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करेंगे। सीरीज में कनेक्शन होगा तो क्या होगा कि इसमें हमारा जो
बोल्ट है, बोल्ट बढ़ जाएगा, 12 12 वोल्ट का दो बैटरी है तो दोनों 24 वोल्ट हो जाएगा, और 24 वोल्ट ही हमें चाहिए तो दोनों क्या करेंगे सीरीज में कनेक्शन कर देते हैं। तो एक का प्लस और एक का माइनस लेके इस पर कनेक्शन कर देते हैं, और एक और प्लस और माइनस रहेगा तो इन्वर्टर पर लगा देंगे। तो चलिए इसका भी कनेक्शन कर देते हैं, फिर आप लोगों को आगे दिखाते हैं। तो देख सकते हो आप लोग उधर से कनेक्शन करने के बाद इन्वर्टर के पास आ गए। इन्वर्टर के पास क्या करें कि जो इसका नेगेटिव वाला वायर है, नेगेटिव वाले वायर को लेकर टाइट कर देते हैं। बिल्कुल आप लोग को टाइट करना है, आप लोगों को लोज नहीं रखना है। लोज रखने पे क्या होता है कि बैकअप वगैरह नहीं आता, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो चार्जिंग में दिक्कत होता है। तो आप लोग बिल्कुल इसको टाइट रखिएगा। अभी देखिए यहाँ पे पूरा ज़ोरदार एक शॉट लगा है, तो इस शॉट से क्या हुआ कि आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों के भी साथ भी ऐसा कोई दिक्कत हो तो आप लोग कर लीजिएगा, कनेक्शन सब आप लोगों का सही रहेगा और आप लोग जब लगाएंगे तो ज़ोरदार इस पर शॉर्ट होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप लोग जो नेगेटिव वाला मतलब पॉजिटिव वाला वायर लगा रहे हैं, तो आप लोग अभी देखिए स्पार्क नहीं हो रहा है इस पर, तो ये मेरा अभी हो गया है जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा हो गया दिक्कत। तो अभी क्या कहें, कस्टमर केयर से बात करें। कस्टमर केयर से बात करने के बाद जो यहाँ से जो इसका रेड वाला वायर है, रेड वाले वायर को खोल के क्या कहें कि जो बैटरी का जो इन्वर्टर का यहाँ से नेगेटिव वाले वायर लगाया जो ब्लैक वाला, उस पर क्या कहेंगे सटा के फिर इस पर लगाएं, तो हमारा इन्वर्टर ऐसे चालू हो गया है। तो आप लोगों को मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आप लोगों के साथ भी ना हो, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और कनेक्शन आप लोग को पूरा टाइट करके रखना है, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मेरा फुल टाइट हो गया। अभी चलिए आगे आप लोगों को और दिखाते हैं कनेक्शन इसका कैसा हुआ है, पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देख सकते हो आप लोग इधर जो रेड वाला वायर है, रेड वाले वायर को रेड वाले वायर में कनेक्ट कर दिए हैं, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव है, और नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले पे, मतलब ब्लैक वाले को नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिए हैं। और यहाँ से जो सिरेज में मिलाए थे, सिरेज में मिलाने के लिए यहाँ पे भी सही सब कुछ हमारा हो गया है। अभी चलिए इसमें आप लोगों को पीछे कनेक्शन जो इनपुट और आउटपुट इसका कनेक्शन रहेगा, जो इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए सप्लाई आएगा, और जो यहाँ से यूपीएस से जो आउटपुट करेगा उसका भी अभी कनेक्शन बाकी है। तो चलिए उसका भी कनेक्शन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं उसको भी। तो उसका कनेक्शन करने के लिए देख सकते हो आप लोग यहाँ पे दो साकेट और दो स्विच लगाए, तो यहाँ पे ये हो रहा था कि मतलब दो फ्लोर का घर है, तो एक ऊपर हो जाएगा एक इन्वर्टर, और एक इन्वर्टर नीचे हो जाएगा। दो इन्वर्टर का जुगाड़ हुआ था यहाँ पे लगाने के लिए, तो अभी एक ही इन्वर्टर से काम चल रहा है। तो इसमें क्या करना है कि जो इसका ऊपर वाला जो मतलब आया हुआ था इन्वर्टर का, और दोनों इन्वर्टर का आपस में शॉर्ट कर देंगे। अभी चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि जो न्यूट्रल और लाइन वगैरह का कनेक्शन है यहाँ पे कर देते हैं। साइड में आप लोगों को अर्थ दिख रहा है, इसका कनेक्शन कर देते हैं, करके आप लोगों को दिखाते हैं कैसे करना आप लोगों को। तो सबसे पहले जो आप लोगों को दिख रहा है इसमें क्या करना है कि आप लोगों को इन्वर्टर वाला जो वायर है, इन्वर्टर वाला वायर ले लेना है। ऐसे खोल के निकाल लेते हैं इन्वर्टर वाले वायर को, और चार्ज करने वाला जो वायर है उसको भी ले लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो इसमें जो ब्लैक कलर का जो वायर है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल को क्या करते हैं कि न्यूट्रल पे कनेक्शन कर देते हैं। तो इसको क्या करेंगे ढीला कर लेंगे, और बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से टाइट करना है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रहे कि बॉडी में नॉट टच हो, बॉडी में टच होगा तो क्या होगा कि यूपीएस में करंट आ जाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा और इसको पूरा भरपूर टाइट कर दीजिएगा। आप लोग इसको टाइट कर दें। अभी क्या कर दें कि इसमें जो फेस वाला इसका कनेक्शन है, जो चार्जिंग के लिए जा रहा है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, चार्ज के लिए इसमें कनेक्शन दे रहे हैं, चार्जिंग करेगा और यहाँ से आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं फेस वाले का कनेक्शन कर देते हैं। फेस वाले भी आप लोगों को ध्यान से आप लोगों को इस पर टाइट करना है ताकि बाद में न टच हो। यहाँ से भी फेस का कनेक्शन हो गया है। अभी इन्वर्टर का जो वायर है, इन्वर्टर का वायर लेते हैं, और इधर जो आप लोगों का लाइन आउट करके जो दिया है, लाइन आउट में जो इन्वर्टर का लोड का कनेक्शन है, जो पूरे घर का लोड जो जिसमें जाएगा इन्वर्टर का, उसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोग प्लग लगा हुआ है, तो प्लग को क्या कर देंगे यहाँ से खोल के निकाल के, और ये जो लाइन आउट का टर्मिनल है यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो देख सकते हो आप लोग पूरा सावधानी से कीजिएगा आप लोग। यदि लाइट में काम करने का आप लोग का आदत है तभी आप लोग कीजिएगा, नहीं तो लाइट काट के आप लोग काम कीजिएगा। तो मेरा तो मैं कर लेता हूँ, लाइट चालू रहे या लाइट बंद रहे उसमें मैं काम कर लेता हूँ। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा अपना कि आप लोग किस हिसाब से कर सकते हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे टाइट हो चुका है हमारा, इसको चार्जिंग करने के लिए भी मिल गया, और यहाँ से इन्वर्टर जो आउटपुट करने के लिए था आउट भी कर देगा। तो दोनों काम यहाँ से हो गया है इसका। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ से कनेक्शन जो हमारा कंप्लीट हो गया है। देख सकते हो आप लोग जो कनेक्शन था हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी कंप्लीट होने के बाद चलिए डिस्प्ले के साइड में देख सकते हो आप लोग, अभी लाइट ऑन नहीं हुआ है हमारा। इसमें क्या दिक्कत हो रहा है कि जो आप लोगों को दिखाए थे स्टार्टिंग में, जो बैटरी पे पॉजिटिव वाला वायर लगाए थे उसमें ज़ोरदार झटका आया था, जो उसकी वजह से मतलब ऑन नहीं हो रहा था। तो क्या किए कि जो रेड वाला वायर था उसको खोल के और ब्लैक वाले वायर पर टच करके बैटरी पर मतलब इन्वर्टर का जो एक साइड का उस पर टच करके लगाए तो सही हो गया है।
तो आप लोगों का कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, जरूर मैं रिप्लाई दूंगा। तो चलिए, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नया चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।